अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज स्वर्गीय कवासी हड़मा इंडोर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। जिला प्रशासन, आयुष विभाग और नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव शिशुपाल सोनी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारी, कर्मचारियों एवं आम जन के साथ योग तथा प्राणायाम का सामूहिक अभ्यास किया। उन्होंने उपस्थित जन को प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि योग निरोगी जीवन का साथी है। प्रतिदिन योगाभ्यास से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। योग मनुष्य को सीधे प्रकृति से जोड़ता है। अपनी दिनचर्या में शामिल कर व्यक्ति एक लंबी और निरोगी जीवन शैली जी सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अत्यंत तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे बीमारियों से घिर जाते हैं। समय के अभाव के कारण वे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा योग करके भी स्वस्थ जीवन का आनंद लिया जा सकता है। इससे व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। स्वर्गीय कवासी हड़मा इंडोर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक गुलराज शर्मा, एबीसी शिक्षा विभाग ने उपस्थित सभी को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में सुकमा नगरपालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू सहित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर विनीत नंदनवार, अधिकारी, कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिकों ने योगाभ्यास किया।